तस्वीरें पाकिस्तान के लाहौर की है, जहां एक शादी में लाहौर के सबसे बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन को मौत के घाट उतार दिया गया। इस घटना के सामने आते ही पाकिस्तान और सोशल मीडिया पर सनसनी फैल गई। घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें तेज फायरिंग की आवाज साफ सुनाई दे रही है, जिसे देख शादी में अफरा तफरी का माहौल बन गया और लोग इधर उधर भागते नजर आए। अब सवाल ये है कि आखिर ये डॉन है कौन, जिसकी शादी में सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक मारे गए अंडरवर्ल्ड डॉन का नाम अमीर बलाच टीपू था। उसकी उम्र 34 साल थी। बलाच का नाम खूंखार और प्रभावी लोगों में गिना जाता था। अमीर बलाच आरिफ अमीर उर्फ टीपू ट्रकानवाला का बेटा था। अमीर बलाच टीपू का परिवार लाहौर में खानदानी डॉन का खिताब रखता है। हालांकि बलाच की मौत की ये कहानी नई नहीं है। ये कहानी बलाच के दादा बिल्ला ट्रकानवाला से शुरू होती है। उसके दादा सालों पुराने झगड़े में ऐसे उलझे कि उलझते ही चले गए और कुछ सालों बाद उनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद अमीर बलाच टीपू के पिता आरिफ अमीर ने अंडरवर्ल्ड की गद्दी संभाली। हालांकि साल 2010 में आरिफ अमीर की भी हत्या हो गई। अज्ञात हमलावरों ने अलामा इकबाल एयरपोर्ट के अंदर घुसकर आरिफ की हत्या कर दी थी। पिता की हत्या के बाद अमीर बलाच टीपू ने अंडरवर्ल्ड डॉन की गद्दी संभाली। अमीर बलाच टीपू ने क्राइम की दुनिया के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में व्यापार को भी बढ़ाया और यही कारण था कि अमीर बलाच टीपू माल परिवहन नेटवर्क का मालिक भी था। अमीर के वहाँ के राजनेताओं के साथ अच्छे संबंध भी थे। इमरान खान से लेकर नवाज शरीफ तक के राजनेताओं से उसके संबंध थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अमीर बलाच टीपू पूर्व पीएम इमरान खान का कट्टर समर्थक माना जाता था। इमरान खान के साथ उसकी एक फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अमीर, उसके पिता और दादा तीनों ही अंडरवर्ल्ड डॉन रह चुके हैं, यानी लगातार तीन पीढ़ियों से अमीर परिवार का अंडरवर्ल्ड से तगड़ा कनेक्शन रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि तीनों एक ही जैसी घटनाओं के शिकार हुए हैं। लाहौर पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अमीर बलाच टीपू एक शादी समारोह में गया था, जहां उसे निशाना बनाया गया। हमलावरों ने टीपू के साथ साथ दो अन्य मेहमानों को भी निशाना बनाया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। पाकिस्तानी मीडिया की माने तो टीपू के बॉडीगार्ड्स ने गोलीबारी के दौरान जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक हमलावर की मौके पर मौत हो गई। घटना के तुरंत बाद टीपू को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई, जबकि अन्य दो घायलों का इलाज जारी है। पुलिस का कहना है कि घटना में फिलहाल अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, हालांकि अज्ञात हमलावरों की तलाश जारी है। पाकिस्तानी एजेंसी की माने तो अमीर बलाच टीपू करोड़ों की संपत्ति का मालिक था। वो लग्जरी लाइफ जीता था। अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन रखने के साथ ही उसके परिवार का खूंखार और जानलेवा जानवरों को पालने का शौक था। एजेंसी के मुताबिक टीपू के परिवार के पास 10 शेर और कुछ अन्य पालतू जानवर थे, जिन्हें उसने अपने खुफिया घर डीरा में रखा था। उसका रुतबा इतना था कि अमीर के इर्द गिर्द हमेशा बंदूकधारी और आधुनिक हथियारों से लैस गार्ड रहते थे। अमीर के पिता आरिफ के मुख्य प्रतिद्वंदी लाहौर के गवाल मंडी क्षेत्र से गोगी बट और तीफी बट मालिक एहसान और आबिद बॉक्सर थे। आरिफ ने एक दशक से अधिक समय तक लाहौर के अंडरवर्ल्ड समुदाय पर शासन किया और उसे नियंत्रित किया। आरिफ के बाद बेटे ने भी सालों तक ये गद्दी संभाली। हालांकि अब देखने वाली बात यह है कि अमीर बलाच टीपू के बाद उसकी कुर्सी कौन संभालता है। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 18 इंडिया ओरिजिनल्स के साथ।